ये हर बंदा दुखी है इस वार दे विच, हर एक अपनी गल दसना चाहता आ, पर जिन्हों तुसी चुनदे आ उदी ड्यूटी बनती है। पहला तुसी दर्शन वाल मंगूपुर नूं चुनिया सी, अज विधायक संतोष कटारिया चुनिया। जो सीवरेज है वो हाले तक नहीं होया, पहला भी मोटरसाइकिल भी डिगदे साडे न्याणे, जब पानी मीह पैंदा नहीं इन्ने इन्ने भिज के न्याणे साडे हले नहीं हुई। असी दिखा दिखा के अक गए, अफसर शाही इन्नी बेशर्म हो गई कि वह उन्होंने कन्ना तो जू नहीं सरकती। दूर थानू जरा घर देख रहा, यह पानी च डुबिया तो रास्ता ही जाता, रिक्शा भी डुबया हुआ रास्ता ही जाता। इस महल च बहुत सारे फोन आते हैं पर करिए क्या, समस्यावान ज़्यादा आ, चैनल कला एक है, बहुत सारे होर भी आते हैं। कारण उन्हों का भी धन्यवाद है कि तुम जिड़ी भी समस्या थोड़े हाथ लगती है तुम कर दौ समस्या। बलाचौ नवा शहर जिते भी जिस पत्रकार तक भी मैसेज आता वो घर है जी, ये रास्ता आ, इधरला रास्ता भी है। तो ये ला लो कि किन्ने क मजबूर हो गए बरसात के बच्चे, जे कोई हैगा घर वाला। हाँ क्या किदा जाने फिर उत्थे नूं घूम के जाते जी, खेतों के खेतों में। हाँ जी, तो जो कोई मुश्किल आ जाए कोई बीमार ठमार हो जाए दवाई उधरों जाते जी, इधरों का रास्ते हैं। हाँ बिल्कुल जी, सारा महला परेशान है क्योंकि ढेर लगे हुए कोल, गंदा पानी खड़ा आ, कोई पानी का जड़ा निकासी नहीं है। इस करके इन्हों बहुत ही परेशानी है, पूरा महला परेशान है। दसना किधर किधर जाइए, समस्यावां सारे पासे आ, दिखाती जी। ते मौके ते संतोष कटारिया भी समस्या दसी है ना लोगों ने, वो रिक्शा देखता जी, माड़ा क्लोजअप करके रिक्शा दिखा दे। आ रिक्शा जी वो घर है, यह रास्ता है जी, देखो कि 70 साल आजादी का आनंद माणते हैं, 15 अगस्त भी आने वाली है। तो हाल ये आ, हाल ये आ, अज उम्मीद की लोगों ने, इस करके बहुत सारे महल्ले दे विचों लोगों ने एक उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी नू वोट पा के असी अपनियां समस्यावां हल कराइए। जिन्हों भी पुछ लईए, हर बंदा दुखी है इस वार्ड दे विच, हर एक अपनी गल दसना चाहता आ, पर जिन्हों तुसी चुनदे आ उदी ड्यूटी बनती है। पहला तुसी दर्शन वाल मंगूपुर नूं चुनिया सी, अज विधायक संतोष कटारिया चुनिया, अज आम आदमी पार्टी च लोग शामिल होए आ। यही एक कारण है कि उन्होंने 5 साल थोड़ी गल नहीं सुनी, इस करके उन्होंने जिहड़ी सत्ता चेंज की, पंजाब दे लोकां ने सत्ता चेंज की। तो जे इन्होंने भी काम ना किया तो इन्हों भी ये लोग बदल देंगे, ये गल याद रखियो। की कहना चाहना जी? देखो जी, साढ़े वार्ड की जी सब तो वड्डी समस्या यही है कि पानी का जो निकास है, जो सीवरेज है, वो हाले तक नहीं होया। पहला भी सरकार आई 20 साल रही, फिर सरकार आई 10 साल रही, तो हुण तक भी कोई भी किसी ने भी मतलब ये काम नहीं किया, ना नालियां का ना ही गलियां का बहुता चंगी तरह तरक्की हो सकी। तुसी देख सकते हो जाके पिछे गलियां जिहड़ियां बहुत ही डूंगियां पईयां, ते आ भी तुसी हाल देख सकते हो, लोकां दे घरां च पानी बढ़ रहा, ते रात नूं जे उन्हां नूं रोटी खाण ते भी मुहार होए पए हो, रोटी खाण तों मुहार होए। जे किसी का फोन नहीं चक हुंदा क्योंकि इन्नियां छोटियां छोटियां समस्यावां हले नहीं होईयां। असी दिखा दिखा के अक गए, अफसर शाही इन्नी बेशर्म हो गई कि वह उन्हां दे कन्नां तों जू नहीं सरकदी। लीडरां दी आपसी भाईचारा हो गया, वो सुन के अणदेखा कर देंदे, कहिंदे कोई गल नहीं, पर आ महल्ले च असी खड़े हाँ, सारे दुखी आ, सारे दुखी है गंदे पानी तो। आ भी गल कह रही है कि मेरे महल्ले च मेरी गली च जाओ जी, क्या मैनू दस दियो इत्थों ही, इत्थों नहीं इधर अंदर जाके 5 नंबर वार्ड पिछे पैंदा, जानकी दुलियां दी गली हैगी। कांग्रेस नूं भी असीं वोटां पाईआं, सारे नूं पाईआं हैगीआं, पर साडा कदी भी हल नहीं निकलिआ। हुण भी जाके देख लो पंप किन्ने पए गए घरी जाके, मोटरसाइकिल भी डिगदे।